हेलो फ्रेंड्स, व्हाट इज एक्चुअल यूजर एज एन इंपोर्टर? चलिए बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। मायसेल्फ अमित मुलानी फ्रॉम अमित मुलानी एंड टीम, एक्सपोर्टर, इंपोर्टर एंड इंटरनेशनल ट्रेड एडवाइजर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ये देखा कि एक एस्टैब्लिश इंपोर्टर किसे कहा जाता है, जो प्रोडक्ट को इंडिया में इंपोर्ट करता है और लोकल मार्केट में उसको सेल करता है। तो ये एक्चुअल यूजर के तौर पे इंपोर्टर किसे कहा जाएगा? यस माय फ्रेंड, ये वो बंदा है जो अपने खुद के यूज के लिए या तो अपनी फैक्ट्री के लिए किसी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता है। ये वो बंदा है जो प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के बाद वो उसे रिसेल नहीं कर रहा है, बल्कि वो खुद के यूज के लिए इस प्रोडक्ट को लगा रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं कहीं और कंट्री से कोई एक कैमरा परचेज करके इंपोर्ट करता हूँ और मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं उसको पर्सनल यूज करता हूँ, तो मैं कहलाया जाऊँगा एक्चुअल यूजर। या तो मान लीजिए मेरा एक वॉलेट बनाने का फैक्ट्री है, मैं उसके लिए चमड़ा यानी कि चर्म यानी कि लेदर को इंपोर्ट करता हूँ फॉरेन कंट्री से, और उसके बाद मेरी फैक्ट्री में मैं उसको यूज करके फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे पर्सेस बनाता हूँ या वॉलेट बनाता हूँ, तो ऐसे केस में मैं भी एक एक्चुअल यूजर हूँ। सो इंपोर्टर के तौर पे अगर आप अपने गुड्स को इंपोर्ट करते हैं और आगे जाके खुद के लिए अगर उसको यूज करते हैं, तो ऐसे केस में हम एक एक्चुअल यूजर कहलाए जाएंगे। दोस्तों, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की ऐसी मजेदार इंफॉर्मेशन के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं अमित मुलानी एंड टीम के साथ। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।